फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मसाला का रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरह वॉश करके अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। अब इसमें 3 स्पून दही डाल देंगे, हाफ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ छोटा चम्मच कसूरी मेथी जिसे थोड़ा भूनकर क्रश कर लिया है, हाफ छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाला है, सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और तेल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रिज में 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे इन सभी मसालों का टेस्ट चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है। अब हम एक पैन लेंगे और गैस ऑन कर लेंगे और इसमें 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च जिसे तोड़कर डाल लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च, इन सबको अच्छी तरह से भुनने देंगे। अब इसमें 8 से 10 लहसुन को बारीक काट कर डाल दिया है और इन सबको अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। 4 से 5 प्याज काट कर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट और ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन हम निकाल कर डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, लगातार ना चलाएं। और इसे 1 लीड से ढककर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे ढक्कन हटाकर हम चला लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गार्लिक पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे पकने दें, कवर लगाकर पकने दें। अब इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अगर आपका चिकन अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आप उसे ढक कर करके पकाएं और बीच बीच में चेक करते रहें। अब आप सब देख रहे हैं कि मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है और ये मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ, आप चिकन स्टॉक की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर मसाले हमारे ज़्यादा भून गए हैं तो वो कहीं जल ना जाए, इसलिए बीच बीच में हम इसमें थोड़ा चिकन स्टॉक या पानी डाल कर करके उसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि हमारे चिकन के पीस सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला कर करके हम इसे पकने देंगे। अब आप ऐसा देख रहे हैं अच्छी तरह से पक चुका है, मसाले भून चुके हैं, आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
इसे हमने धनिया के पत्तों और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। हमारा चिकन मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने कमेंट्स भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।